आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष।
देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। महानुभाव, जैन शासन में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने का विशेष उद्देश्य होता है। यहाँ जीव की पांच अवस्थाओं को दर्शाकर और उनके जीवन दर्शन को बताने का एक नाटकीय रूप प्रस्तुत होता है, लेकिन अंतरंग में विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं और उन क्रियाओं के माध्यम से पाषाण को परमात्मा बनाया जाता है। भगवान बनाने का एक विशेष कार्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से होता है। जहाँ सनातन संस्कृति में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहाँ श्रवण संस्कृति में भी अनादिकाल से यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी को हम पंच कल्याणक के नाम से जानते हैं। आप जानते हो, मानव की अपने जीवन में देख लें, ऐसे प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसी तरह से एक जीवात्मा थे महाबल, जिनका नाम महाबल था, और वो दस भव बाद ऋषभदेव बने। तो महाबल की पर्याय में उन्होंने भक्ति आराधना की और इसके बाद वह ललितांग देव बन जाते हैं भक्ति आराधना के फल से। और ललितांग देव की अवस्था में भी वो भक्ति आराधना करते हैं तो देव से पृथ्वी पर आकर वज्रजंग नाम के राजा बनते हैं और उनका विवाह है एक वज्रदंत चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती से होता है। और वो श्रीमती और वज्रजंग दोनों धर्म की आराधना करते हैं। एक बार उनके पिता, श्रीमती के पिता ने और वज्रजंग जी के ससुर ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेते समय उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाया और कहा, बेटे आप हमारा ये राज्य संभालो। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, ये राज्य अच्छी चीज है या बुरी? अगर बुरी चीज है तो बेटे को क्यों दे रहे हो, और अच्छी चीज है तो हमें आप क्यों छोड़ रहे हो? आप जिसे अच्छा नहीं समझ रहे हो, जिसका त्याग कर रहे हो, उसे मैं भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उस पुत्र ने अपने पिताजी का अनुकरण किया और पिताजी दीक्षा के लिए चलते हैं, संयम की ओर जाते हैं, वैराग्य लेते हैं। और फिर उन्होंने दूसरे बेटे को बुलाया और दूसरे बेटे ने कहा, जिस राज्य को पिता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिस राज्य को हमारे बड़े भाई स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो मैं भी उसी वंश का हूँ और मैंने भी उसी पिता से संस्कार प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं भी उस राज्य को स्वीकार नहीं करूँगा। ऐसा होता है, पिता, दोनों बेटे, तीनों दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन अब करें क्या? दीक्षित होने के पूर्व राज्य तो देना है। एक पोता था, छोटा सा पुंडरीक, 6 महीने का बच्चा था, उसका ही राज्य तिलक करके राजा चले जाते हैं। इसके बाद महारानी बच जाती हैं, बड़ा भारी राज्य है। महारानी सोचती हैं, अब इस राज्य को चलाने के लिए हम क्यों ना अपने दामाद जी को बुला लें। उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया। संयोग ये हुआ, बेटी और दामाद आ रहे थे, रास्ते में एक जगह रात्रि पड़ गई, रुक गए,
रुकने के बाद प्रातःकाल होता है, लेकिन जैन श्रावक का कर्तव्य होता है कि वो भगवान जिनेंद्र के दर्शन करेगा, मंदिर में पूजा पाठ करेगा। इसके बाद मुनिराज के आहार के लिए प्रतीक्षा करेगा और आहार देकर के भोजन करना चाहता है। ऐसी सनातन परंपरा है, यही इस देश की परंपरा रही है। तो उनने भी वज्रजंग और श्रीमती ने आहार तैयार किया और खड़े हो गए आहार तैयार देने के लिए। मुनिराज की प्रतीक्षा करते हैं। आकाश से दो चारण रज्जुधारी मुनिराज, एक का नाम सागर सेन था, दूसरे का नाम दमधर था। दोनों मुनिराज उतरते हैं जमीन पर और उन मुनिराज को आहार देते हैं। वे मुनिराज चले जाते हैं, ध्यान रखना, और आकाश में उड़कर चले जाते हैं। तब उनके सेनापति, उनका ही पुरोहित, उनके ही सेठ, उनके मंत्री, चारों लोग समझाते हैं कि ये कौन थे, आप पहचाने क्या? ये और कोई नहीं थे, उन्हीं वज्रजंग श्रीमती के दो पुत्र थे। और उनको वो नहीं पहचान पाए क्योंकि तपस्या से उन्होंने अपने शरीर को बहुत क्रश कर लिया था, बहुत कमजोर कर लिया था। तब उनने, उनके मंत्री आदि ने उन्हें बता दिया। बता देने के बाद क्या होता है कि वह आश्चर्यचकित होते हैं, सबने अनुमोदना की। परिणाम ये होता है कि उसके फलस्वरूप आहार देने के वज्रजंग और श्रीमती भोग भूमि में जन्म लेते हैं। और भोग भूमि में जन्म लेने के बाद वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करते हैं, लेकिन वहाँ उनका मंत्री स्वयं बुद्ध उन्हें संबोधित करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और देव बनते हैं। देव बनने के बाद, क्योंकि भोग भूमि का प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक त्रियंश नियम से क्या है, स्वर्ग ही जाता है, वो नरक आदि में नहीं जाते, त्रियंश आदि या मनुष्य की पर्याय में नहीं आते, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो वहां से भोग भूमि से देव ही बनेगा। वहां से आते हैं सुविधि नाम के राजा बनते हैं वज्रजंग। आप ध्यान रखना कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है एक मनुष्य को भगवान बनने के लिए। हम इसी बात को आपको बता रहे हैं कि आप भी अगर भगवान बनना चाहते हैं तो जो ऋषभ देव ने किया वही हम भी करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। इसीलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं। सुविधि नाम के राजा बनते हैं और उनकी पत्नी जो श्रीमती है, सम्यक दर्शन जिस स्त्री जाति के जीव को हो जाता है, वो स्त्री सम्यक दर्शन के बाद नियम से स्त्री पर्याय को समाप्त कर देती है और पुरुष पर्याय ही आगे उसे मिलती है। वो भी उनका बेटा बनते हैं, केशव नाम का बेटा बनते हैं। और सुविधि राजा अपने पुत्र के मोह में वैराग्य तो धारण करते हैं, लेकिन मुनि नहीं बन पाते, वह क्षुल्लक तक रह जाते हैं। इसके बाद फिर स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से आकर वह वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती बनते हैं। और वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय में वह साधना करते हैं और अपने पिता वज्रसेन के चरणों में बैठकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के कारण सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं और सर्वार्थ सिद्धि से आकर अयोध्या के महाराजा नाभि राय की पटराग्गी मरुदेवी की कुक्षी से ऋषभ देव के रूप में जन्म लेते हैं। ये यात्रा है एक जीव की और इस यात्रा को उन्होंने 10 भव की इस यात्रा के फलस्वरूप परमात्मा का पद पाया, प्रथम तीर्थंकर का पद पाया। तो हम भी प्रथम तीर्थंकर जैसे पुरुषार्थ करें
तो हम भी परमात्मा बन सकते हैं। जैन शासन की व्यवस्था ये है, हम दो अंतर बताएंगे, जरूर बताएंगे, श्रमण संस्कृति और सनातन संस्कृति, वैष्णव संस्कृति में दो अंतर हैं। यहाँ वहाँ तो भगवान भगवान रहते हैं, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लूंगा और सारी प्रजा का संरक्षण करूंगा, प्रजा का पालन करूंगा और प्रजा को सुख दूंगा। और इस तरह से अवतारवाद की संस्कृति है, लेकिन जैन शासन में उत्तारवाद की, प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा बन सकता है अगर वह पुरुषार्थ करता है, वह अपनी आत्मा का संशोधन करता है, अपने आत्मा की विशुद्धि बढ़ाता है, अपने आप का चिंतन करता है, मनन करता है, मैं कौन हूँ। अब ये चीजें कैसे पता चलेंगी, इसके लिए बात कही है कि ये आपको स्वाध्याय से पता चलेंगी, आपको शास्त्रों के पढ़ने से पता चलेंगी, ये चीजें प्रवचन सुनने से पता चलेंगी। क्योंकि आप और हम जानते हैं, आपको स्पष्ट बता दें, हमें कोई कष्ट नहीं है, एक श्रोता हो दो श्रोता हो। भगवान ऋषभदेव का जो दिव्य ध्वनि खिरी थी केवल भरत चक्रवर्ती के उद्देश्य से खिरी थी। भगवान महावीर का की जो दिव्य ध्वनि निकली वह राजा श्रेणक के उद्देश्य से, एक ही श्रोता, अगर एक श्रोता हो। दो अमित गति और अमित तेज नाम के दो मुनिराज रास्ते से जा रहे थे और एक शेर गाय का पीछा कर रहा था, और वो शेर गाय का पीछा कर रहा, गाय के ऊपर छलांग मारना चाहता है, लेकिन उन मुनिराजों ने हाथ से आशीर्वाद देकर उस शेर से कहा, हे सिंहराज, तू तो तीर्थंकर बनेगा, ये क्या कर रहा है। वो शेर वहीं खड़ा हो जाता है और उसे जाति स्मरण हो जाता है कि अरे मैं तो ऋषभदेव का पौत्र मरीचि था, मैंने कितनी पर्यायों में कष्ट उठाया है, मैं कितने दिनों तक दुखी रहा हूँ। आहा, संबोधन होता है, आंखों से अश्रु धारा बह जाती है और उसे आत्मज्ञान होता है और वह शांत परिणाम होकर खड़ा हो जाता है। बहनों सब प्यारा धरता है भव से किनारा, धरता है भव से किनारा, जहाँ गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, कर्म रक्त सहित सोने कारण को जीवन में है ध्याया, प्रभु जीवन में है ध्याया, अपनी समान ही जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा, श्री पंचनेत्र के पंच कल्याण काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। और आप कहाँ की बदना करके आए हैं? अरे आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? मैं तो सोना गिरी
जगे आई हूँ। सोनागिरी की भक्ति करेंगे। सोनागिरी में सोना सदा बरसता है, चंदा के चंदों में चंदा बरसता है। सोनागिरी में सोना सदा बरसता है, चंदा के चरणों में चंदा बरसता है। कहिए देवी, क्या शंका है? सच्चा देव किसे कहते हैं? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जो राग द्वेष रहित वितरागी समस्त पदार्थों को देखने वाले सर्वज्ञ तथा जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हो, वह ही सच्चे देव हैं। मैं धन्य हो गई स्वामी। चलो अपने स्थान पर चलते। चंदा के चरणों में चंदा बसता है, सोनागिर में सोना सदा बरसता है। चंदा के चरणों में और अगले दीवार में। दूसरे भी खड़े होते हैं अपने स्थान पर, आपस में संवाद करते हैं। बोलिए बोलिए। हे स्वामी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और कहाँ की यात्रा करके आए बता दीजिए। आप कहाँ की यात्रा करके आए हो? बाहुबली की क्या बात है। अरे घूमते से हम आए प्रभु के बलिहारिया, चरण शीश झुकाए प्रभु के बलिहारिया। घूमते से हम आए प्रभु के बलिहारिया, चरण शीश झुकाए प्रभु के बलिहारिया। कई देवी क्या प्रश्न? सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? ए देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जो सात तत्व नौ पदार्थ सृष्ट द्रव्य पंचकाय आदि का विचरण करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित न होने वाला हो, संसार मार्ग को मिटाने वाला हो, वह सच्चे सात कहलाते हैं। चरण शीश झुकाए प्रभु के बलिहारिया, चरण शीश झुकाए प्रभु के बलिहारिया। और देव भक्ति करते हुए चले जाते हैं, और अगले देव भक्ति करते हुए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, भक्ति करते हुए आते हैं। और देवी आ रही हैं, दो देवी आपस संवाद करती हैं। पहले संवाद करेंगे। आज मैं ठेकड़ा बड़े गाँव गई थी, वहाँ मुझे बहुत मजा आया, पर वहाँ मुझे एक शंका भी हुई। क्या शंका हुई? कहाँ के बंदा कर गया है? बड़ा गाँव। अरे बड़े गाँव, अरे ओ बड़े गाँव हम आए प्रभु के बलिहारिया, चरण शीश झुकाए प्रभु के बलिहारिया। बड़े गाँव हम आए प्रभु के बलिहारिया, चरण शीश झुकाए प्रभु के बलिहारिया। सच्चे देशास गुरु का सानिध्य मिलने पर भी प्राणी आत्मनिति की ओर उन्मुख क्यों नहीं हो पा रहा है? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जब तक मिथ्या मान्यता का प्रभाव रहता है, तब तक सहयोग मिलने पर भी आत्मा के परिणामों में विकृति पैदा होती रहती है, जिससे आत्मा अपने कल्याण मार्ग से भटक जाती है। अतः कुछ प्राणी सच्चे देशास गुरु का सानिध्य पाकर भी आत्मोन्नति की ओर अनमुख नहीं हो पाते। समझ आया देवी? बड़े गाँव हम आए प्रभु के बलिहारिया, चरण शीश झुकाए बलिहारिया।
हा देवी आ रही हैं फिर से अपना बन लगने के पर बताते हुए। हे देवी जय जिनेन। जय जिनेन। आज मैं कुंडलपुर गई थी, वहाँ पे मुझे एक शाखा संबंधन हुई। बड़े बाबा बड़े बाबा। हाँ चली चली कुंडलपुर नगरिया, चली 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 सब नगरिया, चली चली श्री श्री देव विराज, श्री देव विराज, चली चली कुंडलपुर नगरिया, चली 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 प्रभु की नगरिया में चली चली। वर्तमान में कुछ ऐसे प्रसंग उठ रहे हैं कि पूजा बंद में पूजा बंद का कारण कृपया स्पष्ट करें। आगम में भगवान जिनेन्द्र के दर्शन पूजन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा कथन है, अतः बंद का कारण कैसे हो सकती है, समझी देवी? हाँ समझ गई। चलो चलिए कुंडलपुर नगरी में, चलो चलिए हाँ सखी, आज मैं आते हुए मंडोला के दर्शन करके आई हूँ। वहाँ पे अति से शांतिनाथ भगवान की अति से कार्य प्रतिमा और शिवानंद प्रसमानंद महाराज। चलो चलिए मंडोला नगरी में, चलो चलिए प्रभु की नगरी में, चलो चलिए हे सखी। मेरी एक शंका है, उसका आप समाधान कीजिए। अगर पूजा का बंद का कारण नहीं है तो क्या संवर निजरा का कारण होती है, कृपया स्पष्ट कीजिए। देखो सखी, पूजा यदि संवर निर्जरा का कारण नहीं होती जी, तो निद्धति एवं निकाचित कम बंद का अभाव करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? इसीलिए आचार्यों ने पूजा को परंपरा से मुक्ति का कारण माना है, अतः पूजा संवर निर्जरा का कारण है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। आगम में दर्शन पूजा बिना सम्यक दर्शन प्राप्त करना असंभव है। धन्यवाद सखी, मेरे तो अच्छे से समझ में आ गया। मंगल की हे देव, जय जिनेन्द्र देव की जय। जिनेन्द्र, आज आप कौन सी यात्रा करके आए हैं? आज हम तीर्थराज सम्यक शिखर जी की यात्रा करके आए हैं। अरे चलो चलिए सम्मे शिखर जी को, चलो चलिए, चलो चलिए सम्मे शिखर जी को, चलो चलिए। हे देव, मेरे मन में एक शंका है। ऐसी शंका है, सुनो। हिंसापूर्ण सामग्री का उपयोग करने के लिए किस क्रम का बंद होता है? हे प्रिय सुनो, शरीर की सौंदर्यता के लिए जिन्होंने प्राणियों के रक्त एवं मांस आदि से निर्मित सामग्री का उपयोग करके शरीर की सुंदरता के लिए उपयोग किया हो ऐसे प्राणियों को, हिंसा से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया हो ऐसे प्राणियों को महान पाप का बंध होता है। समझ गए देव? हाँ, समझ गए। प्राणियों को संसार में अनेक काल तक भ्रमण करना पड़ता है। और एक मिनट के ध्यान में गुरुदेव ने आदेश दिया कि आज तुम सर्वप्रथम निकटस्थ क्षेत्र बड़े गांव के दर्शन करो और त्रिलोक तीर्थ की वंदना करो। लगे बड़े गांव बड़ा प्यारा, लगे बड़े गांव बड़ा प्यारा, भगतो
हाँ देव, आप निसंकोच होके अपने शंका बताएं। क्या हम भी ऐसे संयम का पालन करके तप शरण करके आत्म कल्याण? क्या बात कही है तुमने देव, तुम्हें मालूम है कि हम भोग भूमि के जीव हैं और भोग भूमि के जीव या देव तपश्चरण की बात करते हैं, हम कभी ध्यान में भी नहीं सो सकते। क्यों? क्या आपने कभी महसूस किया कि आपको प्यास भूख कुछ लगता है? नहीं ना। इसीलिए कि जब भी हमें भूख प्यास की आवश्यकता होती है तो हमारे कंठ से हमारी आवश्यकता के अनुसार अमृत का झरन होता है और हमारी वो तृप्ति हो जाती है। इसलिए हमें किसी चीज के आहार आदि की जरूरत नहीं पड़ती। उस स्थिति में आप संयम धारण की बात करते हैं, संयम धारण तो बहुत दूर की चीज है। तपश्चरण, हम तो प्रभु का ध्यान भी हमें नहीं होता है उस स्थिति में कैसे, और हम भगवान का ध्यान करें तपश्चरण करें? अब तो दे प्रभु से यही विनती करो, हे प्रभु किस समय कंठ की माला मुरझाएगी, देव पर्याय छूटेगी, मनुष्य गति मिलेगी, वहां प्रभु का समोषण मिले, जिन मंदिर के दर्शन मिले, गुरुदेव की शरणा मिले, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। बिना जिन मुद्रा रखे न संयम रख सकते हो न तपश्चरण कर सकते हो। अतः बंधु प्रभु से केवल इतनी भावना भाव कि समय रहते ये जो कंठ में माला है ये मुरझाए और हमें मनुष्य गति की प्राप्ति हो। मन खुशियों में गाए जी अलग गाए, मन खुशियों में गाए। मैं कहाँ की वंदना करके आई हूँ? हमें सम्यक प्राप्ति हेतु सम्यक दर्शन और सरे गाँव में खेले ले फुलवा, सरे गाँव में खेले ले फुलवा, ऐसा जलवा ऐसा जलवा, सरे गाँव में खेले ले फुलवा, सरे गाँव में खेले ले फुलवा। मेरी शंका का समाधान करो, हम कहिए हमें सम्यक प्राप्ति के हेतु क्या उपाय करना चाहिए? हे देवी ध्यान पूर्वक सुनो, सुख सुविधाएं तो कई बार प्राप्त हो चुकी है, हम कई बार महाराज महारानियां भी महारानी भी बने, स्वर्ग में इंद्र आदि बने, पर समय तक प्राप्ति का उपाय नहीं कर सके। प्रतिदिन जिन प्रतिमा के भाव पूर्वक दर्शन विशेष क्षेत्रों की वंदना तीर्थंकर भक्तों के पंच कल्याणक से ऐसे पुण्य बढ़ाना है जो हमारे मिथ्यात्व को दूर करे अंतराधिकारी कषाय को आत्मा से हटाकर सभी सत्मों की भूमिका बनाए। आपको समझ में नहीं आया होगा ना, समझ में नहीं आया ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, नहीं आया ना, इस स्वर्गों की भाषा है, समझ में कैसे आएगी। उसने ये कहा है हम कई बार राजा महाराजा बने महारानी बने, लेकिन हमने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की
भूमिका नहीं बनाई, समय दर्शन प्राप्त करने का उपाय नहीं किया है, केवल भोगोपभोग में ही अपने पूरे धन वैभव को लगा दिया। जैन गुण मिला लेकिन हमने कभी तपस्या की बात नहीं सोची, हम तो केवल अपने भोग में ही लिप्त रहे। और जा रही हैं दोनों देवियां भक्ति के साथ। दिन आयो कोई को आयो, दिन आयो दिन आयो दिन आयो भक्ति खले कोयो। देवलोक के इंद्र हैं और आपने कहा कि संसार भ्रमण कैसे छूटे, तो इसके लिए देखिए हमें कम से कम 33 सागर की आयु पूर्ण करके जब हम मनुष्य जीवन धारण करेंगे और मनुष्य जीवन में संयम को प्राप्त करेंगे, संयम को कैसे प्राप्त करेंगे, और जब जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का सिद्धांत करते हुए हम जैनेश्वरी दीक्षा लेंगे तभी जाकर हमारा संसार से भव भ्रमण से हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे हजारों लाखों वर्ष तक चारों ओनियों में भटकते रहेंगे। समझ में आ गया? सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय पारस की कहता जा, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय पारस की कहता जा, ऊंचे द्वारे से कष्ट सभी मिट जा। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं, मीठी मीठी तालियां, जय हो। एक प्रश्न और, अगले देव चले आ रहे हैं अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए, और कैसे आ रहे हैं? हे देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मेरे मन में एक शंका है उसका समाधान करें। बोलिए देव, क्या शंका है? ये सम्यक दर्शन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? और देव सुनिए, ध्यान से सुनिए, समय दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को दूर करना होगा। अगर यह क्रोध मान माया लोभ जीवन से अलग नहीं हुए, अनंतानुबंधी बनते रहे, तो अनंत भाव व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को इन कषायों का अभाव करते हुए, संयम साधना करते हुए, फिर अपने इस आत्मा का उपयोग अपने में लगाते हुए हमें अंतरंग में विचार करना होगा, तभी हम समय दर्शन की भूमिका को प्राप्त कर पाएंगे। समझ गए ना? समझ गए थे। और इस प्रकार चर्चा चल रही है, और चर्चा के दौरान ही 14 मिनट का सिंहासन गंपायमान हो जाता है। और श्रोधर्मेंद्र अवध ज्ञान लगाते हैं, अवध ज्ञान लगाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर अपने आसन से नीचे उतरते हैं और सात कदम चलकर हाथ जोड़ लेते हैं, हाथ जोड़कर नमोस्तु विदित करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान,
नमोस्तु भगवान। नमोस्तु करना है। सची रानी बड़ी हैरान है, ये प्राणेश को क्या हो गया है? और वह अपना स्वामी, आप यहाँ किसे नमस्कार कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन है, कहाँ है, किधर है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रिये आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर्मानस अतीन्द्र सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। प्रभु धन्य है आपको। अच्छा प्रभु, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कौन है, कहाँ है, किधर है, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्राण प्रिय अभी तो नहीं है पर आने वाले हैं। प्रभु धन्य है आपको। वही समय अब आ गया, जंबो भरत मझार आदित्य धनगर आएंगे करने जगोद्धार। आदित्य धनगर आएंगे करने जगोद्धार। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर करते हैं, उसी प्रकार भारत एवं एरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा जो प्राणियों का संसार भ्रम मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। प्रभु धन्य है आपको, आपका ज्ञान एवं जिनेंद्र गुणानुराग, आपका हृदय निरंतर महामानवों की गवेषणा क्या करता है, इसी से तो आप स्वर्गों के इंद्र माने जाते हैं। हे देव जी महाराज, कृपया सुधर्म सभा में मेरे परम पित्र कारकुशल धनपति कुबेर को आमंत्रित करें। धनपति को बुलाइए। यह संदेश धनपति को बुलवाइए, यह संदेश सुनाए, नगर अयोध्या की करे रचना अति सुखदाय। नगर अयोध्या की करे रचना अति सुखदाय। सावधान होशा। स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र के परम मित्र धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ सुधर्म सभा में पधार रहे हैं। आते हैं शुद्ध और चलिए आशीन हम अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सचिन धन सिंह वहां आसन ग्रहण करते हैं और शोधामंद की आज्ञा से एक नित्यांगना आती है कुबेर इंद्र के आगमन पर उनका सत्कार करने के लिए, बहुमान करने के लिए, और नित्यांगना उपस्थित है। क्यों आ गया महाराज?
अत्यंत प्रसन्नता हुई। क्यों आज्ञा महाराज, इसी तरह आप मुझे अवसर देता रहे। तभी शोधर इंद्र अपने प्रिय मित्र कुबेर से समाधि स्थापित करते हैं। भगवान ऋषभ देव की जय, भगवान आदिनाथ की जय, भगवान आदिनाथ की जय। हे देवेंद्र, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। आपके द्वारा धर्म सभा में अभी जो जय जयकार हो रही थी, कृपया उसका परिचय तो हमको दीजिए, जिससे मैं इन सभी इंद्र देव देवताओं की प्रशंसा का समाधान कर सकूं। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस धर्म सभा के लिए परम आह्लाद में है। विश्व धर्म के प्रवर्तक इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज नाभिराय के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। हम जय हो जय हो जय हो, सेवा का अवसर प्राप्त होगा। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, माता मरु देवी की जय, और यह नाभि राय जी की जय। ये कृपया कैसे कैसे हो रहा है, हमको इसका आश्रय तो बतला दीजिए। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर पुण्य अवसर प्राप्त हुआ करते हैं, जिनसे मेरा जीवन धन्य होता है। अन्यथा मैं ऐसे व्यक्तित्व के मोह में फंसकर इधर उधर भटकता फिरता हूँ। धनपति कुबेर, सुधर्म सभा में आप जैसा कार्यकुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशालिनी है। आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या कार्य करना है। आपकी कार्य कुशलता एवं नैतिकता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आप शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्थ्य पर अयोध्या नगरी की स्वर्ग सदस्य रचना कराइए। धननाथ, जीवन मेरा यह सुनकर हुआ है आज। धननाथ, जीवन ये मेरा सुनकर हुआ है ना, आज्ञा का पालन करूं जा करके महाराज, जा करके महाराज। और कुबेर इंद्र तैयार हैं, कैसे भगवान के दर्शन मिले और सुधर्म इंद्र को आदेशित करते हैं। आपसे महाराज श्री, आप चिंता रहित हो जाइए, आप चिंता रहित हो जाइए। आपकी भावना के अनुसार अयोध्या नगरी को मैं ऐसे सजा दूंगा जिससे स्वर्ग का वैभव फीका पड़ जाएगा। रत्नों से जड़ित स्तंभ सहित 80 लाख खंड का महल बनाऊंगा। झरनों वाले बाग बगीचों से युक्त विशाल किलाने की रचना उस नगरी में हो पाएगी। और अष्ट कुमारियाँ आदि से भी मैं निवेदन करूँगा, अष्ट कुमारियाँ आदि से भी निवेदन करूँगा कि उस नगरी को अति सुंदर बना दीजिएगा। और यहाँ धनपति कुबेर अष्ट देवियों के साथ बैठो, हीरे सभी से 81 खंड का महल बनाना है। हे कुबेर, आज तक तो हमने ईटा गारा से बनाए हैं, इतने रत्न कहाँ से आएंगे। मेरा खजाना है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, धनपति कुबेर के खजाने में बहुत सारा धन मौजूद है।
आहा, आपने धन खोल दिया है, कुबेर का खजाना खुल गया है। आहा, आनंद आ गया है। क्या क्या लगाना है? हीरे मोती माणिक सभी को सजाना है। पहले बना दें उसके बाद चिपका दें उन्हें। नहीं 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 नहीं, बाग बगीचे जिनालय संचय करके तभी उन्हीं को लगाना है। जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आपने कहा वही होगा, वही होगा। अब बिराजिए 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 बिराजिए। और तभी आ जाते हैं शिल्पी, नाप कर रहे हैं शब्दोवत महल बनाने के लिए। कहाँ कैसे बनेगा, कहाँ कैसे भूमि होगी। और देखिए भूमि का पुण्य भी होता है। अयोध्या नगर वहीं बनता है जहाँ बना हुआ है। सम्मिश्र भी वहीं बनता है जहाँ बना हुआ है। जब प्रलय आती है लवण समुद्र में पूरा पृथ्वी मंडल का ये भरक्षेत्र का नष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ नंद स्वर्तिक होता है वहीं अयोध्या, और वहीं पर शिखा जी की रचना होती है। और शिल्पी तैयारी कर रहे हैं और अन्य शिल्पी भी आ जाते हैं। नीमी नगर सजाना नी मलवा झूमे नाचे गाए, नीमे नगर सजाना नी मलवा झूमे नाचे गाए, नीमे नगर सजाना नी मलवा झूमे नाचे गाए, नीमे नगर सजाना नी नीमे नगर सजाना नी मलवा झूमे नाचे गाए, मलवा झूमे नाचे गाए, नीमे नीमे बड़ी बड़ी गाना मलवा झूमे नाचे गाए, नीमे बड़ी बड़ी गाना मलवा झूमे नाचे गाए। देखो मैं यही बताना नी मलवा झूमे नाचे गाए, मैं यही बताना नी मलवा झूमे नाचे गाए, नीमे नगर सजाना नी मैं नगर सजाना नी मलवा झूमे नाचे गाए, मलवा झूमे नाचे गाए, बल बल गाना मलवा झूमे नाचे गाए, मैं बल बल गाना नी मलवा झूमे नाचे। और बन गया, बन गया लाते हैं, बन गया। देखो माणिस्तम बन गया, तुरण भी हो गया। अरे गिरा। और इधर उपवन, इधर भवन, इधर 81 खंड का महल। चलो लेके आते हैं कुहेर महाराज को और धनश्री को लेके आते हैं। पधारो पधारो कुहेर महाराज, पधारो पधारो। धनश्री आप भी आइए। हाँ आइए आइए। ये देखिए अच्छा सजाना, आपने बहुत अच्छी सुंदर रचना की है। पसंद आई आपको? सिरजन माता सेवनत करत रहे सुख पाए, पौन पाप पौन लाभ हो जास में पातक जाए पला। प्रसन्न होते हैं कुबेरेंद्र और शिल्पी से बोलते हैं, तुमने बहुत सुंदर कार्य किया है। शिल्पी बोलते हैं महाराज पसंद आया कि नहीं आया? बहुत
खूबसूरत रचना की है आपने, मानस स्तंभ भी बनाया है, मंदिर बनाया है। वो देखो दूर पेड़ पौधे सब उपवन सही है। अच्छा काम किया ना हमने, आपने अच्छा बहुत काम किया, ईमानदारी से किया है, निष्ठा से किया है, जिसका सुख आपको भोगने वाला है। आपको पसंद आया? हाँ हमको पसंद, तो कुछ हमें भी मिल जाए। और कुबेर घोषित करना है, ये रत्न बाल लुटेंगे, पहले घोषित करो पहले उनके लिए। हाँ नकद नहीं देना, नकद घोषित कर दो आप तो। अरे हो जाए, दे दो। और सभी स्थान अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं देव लोग। और हाँ अष्टमर जाओ, हम देख कुमारियों का प्रणाम स्वीकार करें। हे देवियों, आपका अयोध्या नगर में स्वागत है। आइए आइए आइए, किस प्रकार आयोजन से आपका आगमन हुआ है? जगह विस्तार करूंगी। हे राजन, मैं पुष्टि देवी हूँ। मैं सोदर में इंद्र की नियोगिनी देवी हूँ। उनकी आज्ञा अनुसार मैं आपके यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे राजन, मैं महारानी जी की सेवा करते हुए उनकी निरोगता एवं संतुष्टि बढ़ाते हेतु अभय गुण बुद्धि करूंगी। हे अयोध्या नरेश में द्रति देवी गीतंत सवोर में आई हुई मैं माता जी के लिए समोचित आसन की व्यवस्था करके हुए उसमें शुद्ध देख करूंगी। हे प्रजावत्सल राजन,
मेरा नाम कीर्ति देवी है। केसरी महाहृदय में मेरा निवास स्थान है। मैं माता की सेवा तथा उनके यश कीर्ति का गुणगान सदैव करते हुए उनका बहुमान बढ़ाऊंगी। हे महाराज, मुझे बुद्धि देवी कहते हैं। मैं कुंचला में के महापंडित सेवक में आई हूँ। मैं समय प्रश्नों की पहली एवं तवचर द्वारा महारानी मरुदेवी की बुद्धि का विकास करूंगी। हे धर्मवत्सल नरेश, मेरा नाम शांति देवी है। मैं इंदिरा दीप्ति की आज्ञा से आपके दरबार में उपस्थित हुई हूँ। मैं महारानी जी की सेवा करते हुए प्राणी मात्र में शांति व्याप्त हो उनकी इस भावना से पूर्ण करूंगी। हे कृतयुग व्यवस्थापक महाराज, मैं लक्ष्मी देवी शिखरीण कुलाचल के पुंडरीक सरोवर की निवासी हूँ। मैं कुबेर द्वारा वृष्टि किए हुए रत्नों सदैव वितरित कर सभी को लाभ पहुँचाऊंगी। और सभी देवियों, अत्यंत प्रसन्नता हुई आपका परिचय पाकर। ये देखिए, हे देवियों, जाइए, महारानी जी अंत कक्ष में आसीन है, उनके राज प्रसाद में जाकर उनकी सेवा कीजिए। जो आज्ञा महाराज, हम सब को मुआरिया। और महारानी मरुदेवी की सेवा करने जाती देवियां लेके आती है महारानी मरुदेवी को। जा रही हैं देवियां, जाएंगी सभी देवियां। चलिए, और महारानी मरुदेवी को लेके आएंगे। आप देख रहे हैं बड़ा उत्साह है, उमंग है, और सभी देवियां महारानी मरुदेवी की। कितनी भोली, कितनी सुंदर है, सबसे प्यारी है। ओ मां मरदेवी मां, ये जो दुनिया। इस प्रकार से सभी देवियां बारी बारी से मांगी सेवा करती हैं। और आ रहे हैं सेवा करने के लिए। और महारानी मरुदेवी प्रसन्न हैं। ये देवियां विविध प्रकार से सेवा करती हैं। कोई तांबूल देती हैं, कोई वेणुगो देती हैं, कोई तेल मर्दन करती हैं, कोई हस्त मर्दन करती हैं, कोई पाद मर्दन करती हैं, कोई पहेल का सुनाती है, कोई कथा सुनाती है, कोई पुराण सुनाती हैं, कोई माता के कक्ष में सुगंधित पदार्थों का छिड़काव करती हैं, कोई माता के शयन कक्ष की तैयारी करती हैं। इस प्रकार यह देवियां सोदर में इंद्र एवं कुबेर की आज्ञा से दिन रात सेवा में लगी रहती हैं और सेवा करते उन्हें जीवन धन करती हैं। सचिन रानी खड़ी हो जाती हैं और देवियों को आज्ञा करती हैं कि देवियों बहुत रात हो गई है, अब महारानी को अंत कक्ष में ले जाइए। देवियां खड़ी होती हैं, महारानी मरुदेवी को धीरे से अंत कक्ष में ले जा रही हैं, सर्वतोभद्र महल में। हाँ, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है। ओ सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को,
मन में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को, अद्भुत वृषभ सा में देखा का उन्नत कंधों वाला। मन अति घनश्यामी धवल की दीवाना, सुंदर सपने सिंह पहाड़ी दहड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा, माता ऐसी नींद में सोई जिसका राज है गहरा, सुंदर सपने कलयुगज सुंदर देखते स्नान करे लक्ष्मी का, सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, मन में अचरज था देखो पिछली रात को, चंपा चमेली बना बस गोती दो मालाएं देखे, सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, मन में अचरज था देखो पिछली रात को। रज रज चमक से बन बन देखा शशि निशात महारी, अंधकार को चिरता देखा भास्कर वो सुपकारे, सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, मन में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। हर्ष हुआ था भारी, सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे माने रात को, मन में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। स्वर्ण कलश तो माने देखे रत्न जड़े थे जिसमें, कमल अदा चित सुंदर सुंदर नयन लगे थी जिसमें, सुंदर सपने ओ सुंदर सपने जो देखे माने रात को, मन में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। दूर तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर, जागते रहो दूर तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर, सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे माने रात को, ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर, छमछम करता नाच रहा हूँ जैसे कोई तुरंत, सुंदर सपने ओ सुंदर सपने जो देखे पिछली रात को, रत्न जड़ित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा, ऐसे सपने सुंदर सपने जो देखे माने रात को, मन में खुशियाँ छाई थी पिछली रात को। स्वर्ग विमान जमाने देखा,
सुंदर सपने सुंदर सपने धूम से निकलता माली देखा भवन एक धरने दर सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे पिछले रात को चम चम कनता ढेर जो देखे रत्न राशियों वाला दम 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 के हर हर लग लग जगमग करता उजाला सुंदर सपने सुंदर सपने जो देखे पिछले रात को निर्दम अग्नि माले देखे सपन सोलवे मांगे जिन जननी के भाग जगेंगे तीन लोगों के मांगे सुंदर सपने सुंदर सपने आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष।